इजराइल जितने फ्रंट पर दुश्मनों को दहला रहा है उन सब का एपिसेंटर है गजा। जहां बारूद की मात्रा नेतन्याहू कभी कम नहीं पड़ने देते, वजह है गजा में बैठा इजराइल का दुश्मन नंबर वन हमास का चीफ याहिया सिनवार। लेकिन हफ्ते भर से सिनवार क्या कर रहा है, कहां छिपा है, किस तरह के हमले की प्लानिंग कर रहा है? नेतन्याहू पर पलटवार के लिए हमास का सरगना सामने क्यों नहीं आ रहा है, इसकी भनक तक किसी को नहीं। हिजबुल्ला पर जारी इसराइल के सीरियल अटैक के बीच दुनिया दो बहुत बड़े अपडेट से अनजान रह गई। बेरूत की बर्बादी और हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप के सफाए से बड़ा तहलका गजा में मचा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन की मौत का दावा किया गया है। हमास का नया चीफ याहिया सिनवार मारा गया। सिनवार की डेड बॉडी मिल गई, बस कंफर्म ये होना बाकी है कि याहिया सिनवार का शव कौन सा है। दूसरा अपडेट इराक से इसराइल पर शुरू हुए मिसाइल हमले हैं। इराक से ताबड़तोड़ मिसाइलें इसराइल पर दागी जा रही हैं। इसराइल का नया दुश्मन कौन है? इराक से दागी जा रही मिसाइल का ट्रिगर किसके पास है? इससे भी भयानक बात यह कि हमास का नया चीफ याहिया सिनवार मारा गया या जिंदा है? क्या हमास का नया चीफ सिनवार मारा गया? क्या डीएनए सैंपल से हुई सिनवार की शिनाख्त? खान यूनुस के कसाई को कैसे मिली साइलेंट मौत? हमास चीफ का ताबूत तैयार, 7 अक्टूबर का बदला पूरा। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख से सिनवार गाजा की सुरंग में बने अंडरग्राउंड बंकर में ठहर लिए हुए था। इजराइल डिफेंस फोर्स हमास चीफ की सुरंग के करीब कई बार पहुंची, लेकिन सिनवार कभी भी नेतन्याहू आर्मी के हत्थे नहीं चढ़ा। मगर अब दावा किया गया है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में सिनवार के चीथड़े उड़ गए हैं। सिनवार कई लड़ाकों के साथ मारा गया है। बारूदी धमाके में हमास लड़ाकों के शव इतनी बुरी तरह झुलसे हैं कि उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। मुमकिन है कि इन्हीं लड़ाकों के शवों के ढेर में सिनवार भी मरा मिल जाए। इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि हमास लीडर याहिया सिनवार की मौत हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक सिनवार पिछले कुछ समय से लापता है और उसका किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। ऐसे में इजरायली सेना गाजा पर हमलों में सिनवार के मारे जाने की संभावना की जांच करने में जुट गई थी। हालांकि सिनवार की मौत को लेकर अब तक कोई सबूत नहीं मिला, जबकि इजरायल के कई बड़े मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स में हमास लीडर की मौत के कयास लगाए गए। इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक कुछ दिन पहले गाजा में एक स्कूल पर हमला किया था जहाँ हमास का कमांड सेंटर था। इस अटैक में 22 लोग मारे गए थे। इसी अटैक के बाद आशंका जताई जाने लगी कि सिनवार की मौत भी इसी एयर स्ट्राइक में हो गई। दक्षिणी गजा में 21 सितंबर को आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें हैं। इसराइल ने बम बरसाकर स्कूल को मटियामेट कर दिया। इसराइल के हमले के बाद लोगों ने हमले में महिलाओं और बच्चों की मौत की बात बताई थी। खंडर से निकले 22 शवों को कब्जे में लेकर इसराइल ने जांच शुरू की थी। सिनवार की मौत के कयास इसलिए भी लगाए जाने लगे क्योंकि लंबे वक्त से उसने कोई बयान नहीं दिया है, ना ही सिनवार सुरंग से बाहर आकर लड़ाकों के बीच देखा गया है। आखिरी बार सिनवार के महिलाओं के ड्रेस में सुरंग से बाहर आने की जानकारी सामने आई थी। उससे पहले सिनवार आईडीएफ को बेहद करीब से चकमा देकर सुरंग जाल में फरार हो गया था, जबकि इस दफा इजराइल के न्यूज़पेपर बेन केसिप ने सैन्य खुफिया जानकारी के आधार पर दावा किया कि सिनवार की मौत की पुष्टि के लिए 22 शवों के डीएनए की जांच की गई, जिसके बाद चैनल 12 की रिपोर्ट में बताया गया कि आईडीएफ ने हाल ही में गाजा से कई शव निकाले और उनकी जांच की।
लेकिन उनमें से किसी का भी डीएनए हमास लीडर याहिया सिनवार से मेल नहीं खाता। रिजल्ट निराश करने वाला रहा। सिनवार की मौत पर इजराइल के जर्नलिस्ट बराक रवीद ने भी किसी तरह के सबूत न होने का दावा किया है। यानी हमास चीफ जिंदा है, सिनवार मौत की झूठी अफवाह उड़ाकर नेतन्याहू के प्रकोप से बचने की जुगत भिड़ा रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला फ्रंट पर उलझे इजराइल फोर्सेस से बचकर सिनवार सेफ रूट तलाश रहा है, मगर सिनवार का बचना मुश्किल है। याहिया सिनवार इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे टॉप पर है। इस हमास लीडर से नेतन्याहू सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि सिनवार पूरे इजराइल को चिढ़ाने का कांड कर चुका है। पिस्तौल के साथ सिनवार की तस्वीर देखिए। इस तस्वीर की बड़ी खौफनाक कहानी है। 11 नवंबर 2018 को इजरायली स्पेशल फोर्स की टीम दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनुस में बड़ा ऑपरेशन अंजाम देने जा रही थी, जिसकी खबर हमास की खुफिया शाखा अल कसम खुफिया विभाग को लग गई थी। हमास के लड़ाकों ने तब इजरायली स्पेशल फोर्स की गाड़ियों को घेर लिया था। अल कसम का फील्ड कमांडर नूर अल दीन बराका इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। इजरायली फोर्सेस ने इस ऑपरेशन में कमांडर बराका और मोहम्मद माजिद अल करा को ढेर कर दिया था, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन का भंडाफोड़ हुआ, इजरायली फोर्सेस मोर्चे से वापस लौटने लगी। लेकिन अल कसम लड़ाकों ने जोरदार हमला शुरू कर इजरायल कमांडोज को घेर लिया। तब इजरायली लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों ने पीछा कर रहे हमास के आतंकवादियों पर दर्जनों हवाई हमले किए। भारी हवाई कवर के बावजूद हमास के अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने पीछा करना जारी रखा। इस दौरान इजरायली सेना का एक हेलीकॉप्टर सीमा पर लगी बाढ़ के पास उतरा और भारी गोलीबारी में भाग रहे इजरायली कमांडो टीम के जीवित और मारे गए लोगों के शवों को बाहर निकाला। इस मुठभेड़ के बाद हमास के अल कसम ब्रिगेड ने दावा किया कि उसने इजरायली एलीट कमांडो फोर्स की टीम को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसके कमांडर को मार डाला है। मारे गए कमांडर की निजी पिस्तौल को याहिया सिनवार को तोहफे में दिया गया। उसी पिस्तौल को लेकर सिनवार नेतन्याहू को चिढ़ाता रहा है। सिनवार को हमास का सबसे कट्टर और खूंखार लीडर कहा जाता है। 62 साल के याहिया सिनवार को अबू इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता है। सिनवार का जन्म गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके के खान यूनुस के शरणार्थी कैंप में हुआ था। याहिया सिनवार को पहली बार इसराइल ने 1982 में गिरफ्तार किया था। उस समय उसकी उम्र 19 साल थी। 1985 में सिनवार दोबारा गिरफ्तार किया गया। सिनवार 1985 में हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन के करीब आया। सिनवार को गाजा पट्टी में हमास चीफ का पद दिया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने इसराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक आदमी को उसके भाई के हाथों ही जिंदा दफन करवा दिया था। हैरानी की बात यह थी कि दफन करने का काम किसी फावड़े से नहीं बल्कि चम्मच से किया गया था। ऐसे क्रूर कारनामों के चलते सिनवार को खान यूनुस का कसाई कहा जाने लगा। सिनवार के करीबी भी उससे खौफ खाते हैं। कहा जाता है कि जिसने सिनवार की बात नहीं मानी उसे वो मौत के घाट उतार देता है। सिनवार ने साल 2015 में हमास कमांडर महमूद इश्तीवी को टॉर्चर कर जान ले ली थी। इश्तीवी पर समलैंगिकता और पैसों की हेराफेरी का आरोप था। साल 2014 में सिनवार की मौत का ऐलान भी हुआ था, हालांकि कुछ वक्त बाद ये एक अफवाह साबित हुई। साल 2015 में सिनवार को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। सिनवार को ईरान का करीबी माना जाता है, इस वजह से भी सिनवार इसराइल के दुश्मनों में नंबर वन है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस सिनवार के अड्डे के बेहद करीब है। रफा और गाजा के बीच फैली सुरंगों के जाल में सिनवार के सीक्रेट अड्डे हैं। इसराइल के कमांडो इन सुरंगों में घुसकर मार काट मचा रहे हैं। जाहिर है सिनवार से सामना होते ही उसका खेल भी उसी तरह खत्म होगा जैसे हानिया और दाइफ का हुआ, क्योंकि नेतन्याहू को याहिया सिनवार के खात्मे तक सुकून नहीं मिलेगा।